أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، تمام قسم في حمد الصلاة تعريف كبريائي بڑائی उसे अल्लाह वाहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारी कायनात का खालिक मालिक मेरा और आपका मुरब्बी है। उसे अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं जो गफूर है, गफ्फार है, करीम है, सत्तार है। बाद इसके आपके मेरे आका दो जहाँ के सरदार सरदार अंबिया पर करोड़ा करोड़ अनगिनत बेशुमार दो दो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दरसे हदीस में दरसे बुखारी का किताब अदब में से पांचवें बाब की हम इब्तिदा कर रहे हैं। पांचवा बाब इस तरह है। इमाम बुखारी मोहल्ला ने पांचवे बाब इस तरह बांधा है, इजाबती दुआई मम बर वालिदैह। इजाबती दुआई मम बर वालिदैह, दुआ कबूल होती है उस शख्स की जो वालिदैन के साथ नेक सुलूक करे। गोया के वालिदैन के साथ नेक सुलूक करने को किस चीज से जोड़ा जा रहा है? दुआ से, दुआ की कबूलियत से। दुआ कबूल होती है उस शख्स की जो वालिदैन के साथ नेक सुलूक करे, उसने अखलाक से पेश आए। इस बाब के तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने एक हदीस लाए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी हदीस है। मैं के यहां से इब्तिदा होती है, यहां पर खत्म होती है, दो पन्नों पर मुश्तमल। मालूम है अरबी जो है ये अरबी हदीस इतनी लंबी है, दो पन्नों पर मुश्तमिल है। इस हदीस को लाए हैं, हदीस ज्यादा बड़ी है लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि इतनी मशहूर हदीस लाए हैं कि जो हर एक को मालूम है था ये हदीस। और उस हदीस से जो इस्तदलाल इमाम बुखारी मौला ने किया है वो उस हदीस में नहीं मिलता है, उस हदीस का निचोड़ है। इजाबत दुआई मम बर वालिदैह, वालिदैन से नेक सुलूक करने पर उस शख्स की दुआ कबूल होती है, ये उस हदीस का निचोड़ है। इस हदीस को बुखारी में अल्लाह ने अपनी सही बुखारी में दो जगह पर लेकर आए। दूसरा जो नुक्ता निकाला है बुखारी में अल्लाह ने, दूसरा जो बाब बांधा है इसी हदीस से, वो बाब का जो निचोड़ है, वो बाप का जो मफहूम है वो भी इसी हदीस से निकलता है। वो एक ही हदीस से दो किस्म के इस्तदलाल इमाम बुखारी मोहल्ला कर रहे हैं, है ना। हदीस क्या है, मैं चाह रहा हूं कि हदीस पूरे अरबी में एक साथ आपके आगे पढ़ूं, मगर सिर्फ पढ़ूं तो हो सकता है सारी हदीस आपके ऊपर जाए। मैं हदीस को चंद अल्फाज में आपके आगे जिक्र करता हूं ताकि वो हदीस आपको याद आ जाए, और जो अल्फाज में पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का अंदाज और अंदाज बयान से हो सकता है आपको उसका माना मफहूम समझ में आ जाए। हदीस है उन तीन शख्सों के ताल्लुक से जो बनू इसराइल के थे, जो चलते चलते बारिश ने उन्हें पकड़ लिया तो एक पहाड़ में छुप गए, बना ली, एक पत्थर आकर उनके गार पर बैठा, इसकी वजह से रास्ता बंद हो गया। फिर तीनों ने अपने अपने अमाल का वसीला लिया अल्लाह के आगे,
अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, उस पत्थर को वहां से हटाया तो रास्ता बन गया, तो वहां से निकल गया। ये हदीस है। अब आइए अरबी पढ़ता हूं। आज मैं अरबी पढ़ रहा हूं हदीस की, तो रावियों के साथ पढ़ रहा हूं, इस हदीस के रावियों के नाम के साथ पढ़ रहा हूं। حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ابن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال عهدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنه نأى بي الشجر فما آتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما और ज्यादा भी कर सकता हूं मैं समझाने के लिए, मगर मुझे ट्यूटर नहीं बनना है आप लोगों का, मगर समझाना मकसद है। فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت احلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دعبي ودعبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء اي واقعة میں نے سنا دیا ہے نا دوسرا نہیں پڑھوں گا کیوں سر کے اوپر سے جا رہا ہے ایکشن کچھ کام نہیں آ رہا ہے بہر اس حدیث کو ہم سنتے ہیں لفظ بلفظ मजा भी आएगा समझ में। इस हदीस के आखिरी रावी हैं हजरत अब्दुल्ला
इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दो लोगों के वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनमा सलासत नफरी, बैनमा यानी उन लोगों में, इशारा बनो इस्लाम की तरफ, सलासत तीन लोग थे, नफरीन एक जमात में, एक जमात में तीन लोग जा रहे थे, सफर कर रहे थे, या तमाशोन चल रहे थे, या मिशी यानी चलना, या तमाशोन चल रहे थे, अखदहुमुल मतर, अखदहुम मतर उनको पकड़ लिया बारिश ने, अखद माने पकड़ने के, बारिश थोड़ी आगे पकड़ती, जब बारिश जोरदार हुई जिसकी वजह से रुक गए, अरबी जबान में मतर जो लफ्ज आता है ना जोरदार बारिश के लिए आता है, उसको हम उर्दू में मैना कहते हैं, मैना बारिश अलग है, रिमझिम रिमझिम भी होती है ना बारिश, हल्की फुहार भी होती है, जोरदार अगर आया तो मतो, क्या कहते हैं मतो, तो तूफानी बारिश जिसको हम कहते हैं, तूफानी बारिश उन्होंने रोक लिया, फमालू इला गारी फिल जबल, तो वो दौड़े, तीनों दौड़े, इल्तिफात किया एक गार की तरफ जो कि था एक पहाड़ में, गार किसको कहते हैं, गार वो सुराख होता है बड़ा जो पहाड़ में होता है, जो कुदरती तौर पर बनता है, कोई बनाता नहीं है, उसको क्या कहते हैं गार, ऐसे गार की तरफ वो लोग दौड़े पनाह लेने के लिए, فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل, गिरा लुढ़कता हुआ आया गार के मुंह पर, फम फमू यानी मुंह, ओपनिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, गार की ओपनिंग पर जहां से दाखिल हुए थे उसके मुंह पर एक सोखरा एक गोल पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह को बंद कर दिया, फअसबकत अलैहिम, जिससे उस गार का रास्ता ही बंद हो गया, उनके लिए रास्ता बंद हो गया, फकाल बअदुहुम लिबअद, वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे, उन्दुरु अमालन अमिलतुमुहा लिल्लाहि सालिहा, क्या कहने लगे दूसरे से, देखो जरा ध्यान दो गौर करो तुम्हारे उन अमाल की तरफ जो तुमने किया अल्लाह की रजा के लिए नेक और सालिह अमल, फिर से करा लो तर्जुमा, क्या कहा उन्होंने, उन्दुरु अमालन, देखो जरा तुम्हारे अहमाल, अहमाल एक दूसरे के कैसे हैं, कोई याद है कोई अमल, अमिल तुमोहा जो तुमने किया लिल्लाह अल्लाह के लिए, सालिहा जो कि नेक हो, कोई नेक अमल तुम्हें याद हो जो तुमने अल्लाह के लिए किया हो और वो सालिह और नेक भी हो, ऐसा कोई अमल है तो याद करो उसको, क्यों उनके जहन में आई ये बात, मुसीबत में फंसने के बाद जितना बड़ा पत्थर उस गार के मुंह पर आकर लगा था उसको हटाने की तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए थी, है ना, क्यों ऐसा नहीं किया उन्होंने, छोटी सी बात है, नामुमकिन में से था, क्या था, नामुमकिन में से था कि जिस गार में उन्होंने पनाह ली तीन लोग मिलकर उस पत्थर को नहीं हटा सकते थे, नामुमकिन में से था, कोई रास्ता ही नहीं था, जहां कोई रास्ता नहीं होता वहां किसका रास्ता होता है, अल्लाह, और अल्लाह तक पहुंचने का एक ही एक जरिया है दुआ, अल्लाह किसकी सुनता है, जो मांगता नहीं उसकी, हदीस में तो आता है आप सल्लम कहते हैं तिरमिज़ी हदीस है, अल्लाह उस शख्स से नाराज होता है जो उससे मांगता नहीं है,
अल्लाह शख्स से नाराज होता है जो उससे मांगता नहीं, तो अल्लाह उसकी सुनता है जो उससे मांगता है। तो ऐसे वक्त रब तक पहुंचने का जरिया एक ही था, वो है दुआ। अब दुआ इंशाल्लाह इससे जो मसाइल निकालेंगे निकालेंगे, बहुत निकालेंगे इंशाल्लाह, शायद गिनते गिनते थक जाएंगे। अब तक हम 14, 15, 20 मसाइल देखे हैं ना एक हदीस से, इंशाल्लाह कितने मसाइल निकालेंगे आप एक लेंगे इंशाल्लाह। ये तो सोच लिया उन्होंने कि अल्लाह के आगे वो अमाल जो हमने किए नेक और सालेह उसकी रजा के लिए उसी के लिए उनको याद करो, ये भी कहा उन्होंने। और दुआ का भी सोचा, क्यों सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलता था क्या? नहीं चलता, सिर्फ दुआ करने से काम नहीं चलता। ऐसा होता तो दुनिया का हर फर्द अपने रब से दुआएं कर रहा है, हर एक सुन रहा अल्लाह नहीं, अल्लाह की बारगाह में वैसे अहमाल भी पेश करना पड़ता, वैसी कुर्बत भी हासिल करना पड़ता। अल्लाह कुर्बत कब मिलती है? सिर्फ दुआओं से, अहमाल से मिलती है। कैसे मिलती है? अहमाल से। इसलिए उन्होंने अहमाल का भी जिक्र किया और दुआ का भी जिक्र किया। अहमाल भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। तो कहा انظروا اعمالا عملتموها لله صالحا, याद करो अपने अमाल को जो तुमने खालिस अल्लाह के लिए किए हो और वो नेक अमल हो। فادعوا الله بها, उनके जरिए से अल्लाह को पुकारो, उनके जरिए से अल्लाह को पुकारो। तर्जुमा सीधा ये हुआ कि उन अमाल को वसीला बनाओ और उस वसीले के जरिए से अल्लाह को पुकारो। साबित हुआ कि वसीला नाम की चीज है इस्लाम में। सबसे पहली दलील क्या है? नेक अमल खुद वसीला है, जैसा कि इस हदीस से मालूम होता है। नेक अमल का वसीला लेना चाहिए। फदउल्लाह बिहा, उन नेक अमल को याद करो, उसका जरिया उसका वसीला पकड़ो और रब से दुआएं करो, पुकारो अल्लाह को। लअल्लहू यफ्रुजुहा, उम्मीद है कि उस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला, लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बरकत से कोई सुराख कर दे। या फ्रुजुहा और जिनके मानी सुराख, निकलने का रास्ता, ये तर्जुमा भी होता अच्छे अंदाज में। या फ्रुजुहा, उसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला निकलने का रास्ता बनाए, जबकि लफ्ज़ है फरुज यानी सुराख। उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला जो मुंह बंद हो चुका है गार का, इसमें कोई सुराख कर दे निकलने के लिए, निकलने का रास्ता अल्लाह तआला बना दे। فقال احدهم, उसमें से एक शख्स ने कहा, اللهم اي الله انه كان لي والدان شيخان كبيران, दो सिफात बयान की वालिदैन की। उसने कहा ऐ अल्लाह बेशक मेरे पास है या मेरे लिए थे, मेरे लिए हैं वालिदान, वालिदैन माँ बाप दोनों, शेखान बड़ी उम्र के, कबीरान बड़ी उम्र के, बुजुर्ग बड़ी उम्र के भी, कमजोर भी, नहीफ ज्यादा उम्र के, अब आप मेरे बूढ़े हो चुके थे। वलिया सुबियतुन सिगार, यहां मेरे मां बाप मेरे पास थे बूढ़े आखिरी उम्र के, वहीं पर वलिया सुबियतुन सिगार, और मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी थे, मेरे मेरे पास छोटे छोटे बच्चे भी थे। सही बुखारी का हदीस है ना, एक हदीस यहां पर है, एक और जगह इमाम बुखारी मौला ने इसी हदीस को लाए, वहां पर भी ऐसी हदीस है, सिर्फ चंद अल्फाज के, चंद अल्फाज के फर्क के, जिसका माना एक ही निकलता है, एक ही माना वही है, अल्फाज अलग अलग है, तीन तीन अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हुए, तर्जुमा किया जाए तो एक ही माना निकलता है, ऐसी है।
सही मुस्लिम अगर हम देखते हैं यही हदीस सही मुस्लिम में भी उसमें ऐसे अल्फाज है, यहां आकर एक लफ्ज ज्यादा है उसमें क्या है, वम्रती वलिया सुबहतुन वलिया सुबियतुन सुगा, यहां मेरे मां बाप है बड़ी उम्र के बूढ़े मां बाप है वह है, पर मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी। बुखारी के दोनों हदीसों में वम्रअतुन वम्रअती मेरी बीवी का तस्किरा नहीं है, सही मुस्लिम में उसका तस्किरा मिलता कि मेरी बीवी भी और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। फिर आगे कहा कुंतु अरआहिम, मैं उनके लिए चरवाहा था, मतलब उनके लिए मेरे मां बाप और भी बच्चों के लिए जो काम मैं करता था, जो बिजनेस मैं करता था, जो कारोबार मैं करता था वो था चरवाहे का, बकरिया गाय बैल जो भी जानवर थे मवेशी उनको मैं चरा कर लाता था, चरवाहा था और अलैहिम उनके लिए मैं चरा करता था। फैदा रुहतु अलैहिम, जब भी मैं वापिस आता उन लोगों के पास चर मवेशी चरा कर, जब मैं वापिस इन लोगों के पास मेरे अहले खाना के पास मेरे माँ बाप और भी बच्चों के पास जब भी आता मैं फहलबतु, तो मैं लिहाजा पहले सबसे पहले दूध निचोड़ता, दूध धोता, दूध निकालता, बिदअतु बिवालिदैया, उसकी इब्तिदा करता मैं मेरे माँ बाप से, दूध धोता सबसे पहले मेरे माँ बाप को मैं देता पीने के लिए, अस्कीहिमा उन दोनों को पिलाता, कबल वलदी मेरे बच्चों से पहले, इसकी इब्तिदा मेरे माँ बाप से करता और उन्हें दूध पिलाता मेरे बच्चों से पहले, मतलब जब भी मैं लौटता मवेशियों को लेकर सबसे पहले मेरे माँ बाप को ही दूध धोकर पिलाता और मेरे बच्चों को कभी ना पिलाता, सबसे पहले माँ बाप को, बच्चों से पहले मेरे माँ बाप को मैं दूध पिलाता दूध धोकर देता। वइन्नहु ना बियश्शज, एक बार ऐसा हुआ कि मैं मेरे मवेशियों को लेकर निकला पेड़ की चारे की तलाश में, बहुत दूर निकल गया, ये मफहूम है उसका, लजी तर्जुमा क्या है कि मैं पेड़ ने मुझे बहुत दूर ले गया, क्या है पेड़ ने मुझे बहुत दूर ले गया, मतलब पेड़ की मवेशियों के लिए चारे की तलाश में पेड़ तलाश करते करते मैं बहुत दूर निकल गया। फमा अतैतु हत्ता अमसैत, यहां तक कि मैं पलट कर आता शाम हो चुकी थी, मालूम हुआ कि इससे पहले जब भी आता था शाम से पहले आता था, मालूम हुआ ना शाम से पहले आता, अब आया तो बहुत देर से आया, शाम हो चुकी थी। वजदतुहुमा कदनामा, मैंने देखा कि मेरे दोनों माँ बाप सो चुके हैं। फहलबतु कमा कुंतु अहलु, मैं तो आते ही मैंने दूध धोया, दूध निचोड़ा, जिस तरह मैं हर बार काम करता था उसी तरह मैं आते ही मैंने दूध धोया। फजितु बिल हिलाब, फिर आया मैं वो धोया हुआ दूध लेकर माँ बाप के पास। फकुंतु इंद रुउसिहिमा, मैं उनके सिरहाने खड़ा हो गया, उनके सर के पास मैं दूध लेकर खड़ा हो गया। अकरहु अन उक़िदहुमा, मैंने इस बात को नापसंद किया कि उन्हें नींद से जगाऊं। हदीस समझ में आ रही है ना, लफ्जी तर्जुमा भी कर रहा हूं, समझ भी आ रही है ना, मैंने ये बुरा समझा कि उन्हें नींद से मैं जगाऊं। अन औ
नींद से मैं जगा हूं, मैंने ये बात बुरी जानी ना पसंद की। वाक्रहु इतना ही नहीं, वाक्रहु अन अब्द विश्वभयति कबलहुमा। और ये बात भी मुझे ना पसंद आई कि माँ बाप से पहले बच्चों को दूध दे दो। जहां माँ बाप को वालिदैन को नींद से जगाना मुझे पसंद नहीं था, वहां माँ बाप से पहले बच्चों को दूध देना भी मुझे पसंद नहीं था, पसंद नहीं आया। क्योंकि हर रोज मैं पहले माँ बाप को दिया करता था, हर रोज। आज ही मैंने बेहतर ही समझा, पहले माँ बाप को दूध फिर मेरे बच्चों को दूध। फिर आगे कहता है कि वस्त्रिभयतु यतदाहौन इन्द पदमै, मेरे बच्चे मेरे पैरों के पास भूख की वजह से तड़प रहे थे, रो रहे थे। फलम यजल दालिक दअबी व दअबहुम हत्ता तला अल-फज्र, यही हाल रहा मेरा और मेरे बच्चों का। मैं लेकर खड़ा रहा माँ बाप के इंतजार में कि वो खुद से जागे नींद से और मैं उन्हें दूध दूं, फिर उसके बाद मेरे बच्चों को दूं, इसी कश्मकश में। और बच्चे मेरे रोते रहे, मैं इंतजार करता रहा। मेरे बच्चे रोते रहे भूख से और मैं इंतजार करता रहा, इसी कश्मकश में। तो अल-फज्र फज्र हो गई, यहां पे एक इश्काल पैदा हो सकता है, सवाल ये खड़ा हो सकता है कि जहां माँ बाप का हक अदा कर रहा है, माँ बाप की भूख को मिटा रहा है, बच्चे भी तो हैं, उनकी भी तो भूख है, दे देता तो क्या होता है ना। इसे कई जवाब आते। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए कितना सीधा साधा दौर था वो, इतना सीधा साधा दौर था कि चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर चला था, शाम में आता तो उसी से पेट भरते, दूध से। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सीधा साधा तसव्वुर है, उसी दूध से पेट भरते। मतलब उनके पास गेहूं चावल अनाज चीकू सेब जलेबी पहले से फ्रिज में रखे हुए, गोभी ये नहीं थे, एक महीने के पूरा राशन भरा हुआ, ऐसा तस्वीर नहीं था। सीधे सादे लोग थे, दिन भर मवेशियों को चराते, जो मवेशी खाते उससे जो दूध बनता वो उनकी तिजारत भी थी और वो जो दूध था वही उनका खाना था। अब जब शाम में आए जनाब, हर रोज की उनकी आदत थी कि पहले माँ बाप को देते, ये तरजीह है माँ बाप की, इसीलिए तो दुआ कबूल हो रही है। मां समझ में आई, ये तरजीह दी माँ बाप को उन्होंने, इसलिए तो दुआ की कबूलियत उनको मिली। इजाबत दुआ जो हुआ वो माँ बाप को तरजीह देने की वजह से हुआ। अरे होता है, इंसान है ना, जब किसी अमल को इख्तियार करता रब की रजा के लिए, भले वो छोटा अमल क्यों ना हो, उसके मुकाबले में कोई बड़े से बड़ा अमल कभी बीच में आड़े आ जाता है तो उसको इजी लेता है, होता है। जब कोई छोटा ही अमल रब की रजा के लिए एक आदमी करता है, लगातार करता रहता है, उस वक्त अगर कोई बड़े से बड़ा भी काम आया तो इंसान उसको क्या करता है, नजरअंदाज करता है। क्यों? ये हर रोज का मेरा डेली रूटीन है, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। और खास तो उसमें वजन तब पैदा होता है जब वो रब की रजा के लिए करे। मिसाल दे देता हूं आपको समझने के लिए, नहीं तो क्या लगेगा कि देखो बच्चों को जुल्म कर रहा है माँ बाप के बजाय, है ना। एक आदमी है, हर रोज फजर के बाद 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुल्कु वलहु हम्दु वअला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ता है, या फिर 100 मरतबा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है।
या फिर जो अज़कार कुरान मजीद और हदीस में आया है उनको पढ़ता है। फर्ज कीजिए वो काम करने के लिए उसको हर रोज 15 मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं फजर के बाद। तो ऐसा हुआ कि वो ऐसा एक साल से करता हुआ आ रहा अल्लाह की रजा के, कोई नहीं जानता वो एक अमल करता है मगर वो कर रहा है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माँ या बाप या किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, उसको घर से ये हुक्म मिला है कि फौरन नमाज पढ़ के आ जा, बहुत काम है। क्या कहा? मिसाल समझाने के लिए बतला रहा हूं, फौरन नमाज पढ़ के घर पे आ जा। अब वो साहब गए नमाज पढ़ी, जहन में ये बात आई कि एक साल से गरीब मेरा बाल फजेगी ये चीज छूटी नहीं है, बन रहा है बेटा वो चीज लेट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है ना, तो पहली बार ही हुई है इसका इंतकाल हुआ होगा। तो उन्होंने तरजीह किसको दी? उन जिक्र अस्कार को दी जो हर रोज करते आ रहे थे वहां जाने के बाद। हालांकि वो काम पड़ा था, लोगों को मालूम हो जाए तो हैरत हो गया ऐसा कैसा कर दू। वैसे इन साहब के साथ जो मामला हुआ ये तो दुआ का मसला आ गया, वो तो पहाड़ में फंस गए तो ये चीज बाहर आई, आती भी नहीं थी कि उनका क्या अमल था। तो ऐसा इंसान बाज वक्त में किसी चीज को तरजीह देता है ये आम बात है, समझ आई? तो इस तरह उन्हें तरजीह। और दूसरी बार हदीस में जो आता है कि फलम यजल रालिका द अबी व द अबहुम हत्ता तौल अल फज्र, यानी मैं इस कश्मकश में रहा कि माँ बाप उठे दूध दे दू और बच्चे रोते रहे, ये कश्मकश थी ना के ये जवाब ऐसे लिया ना के वो बच्चों के साथ ऐसा करना चाहता था। उसकी नीयत ये नहीं थी कि उसके बच्चे भूखे रहे, उसकी नीयत ये थी कि मेरे माँ बाप जाग जाए उन्हें पिलाओ फिर मेरे बच्चों को दू। ये कश्मकश में फजर हो गई क्योंकि अब वो कितना लेट आया था इस बात का जिक्र नहीं है, लेट तो आया हो। अब हमारे हिसाब से अगर समझने के लिए 7 बजे आया, 8 बजे आया, 9 बजे आया, 12 बजे आया, 1 बजे आया, वल्लाह देर से आया। और इंतजार करते करते क्या होगी? फजर होगी। तो ये न चाहते हुए हुआ वाला अमल है, न चाहते हुए। और दूसरी बात उसकी नीयत ये थी कि जिस अमल को मैं कर रहा हूं अल्लाह के लिए कि माँ बाप का हमेशा पहला दर्जा देता हूं, देता आया हूं, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं, तो सबसे पहले माँ बाप को ही तरजीह दी, उसके बाद बच्चों को। और तीसरी बात यह है कि अहदीस में भी आता है कि जो कुछ अपना अपनी माल अपना अपनी औलाद सब किसका है? अपने माँ बाप का है। तो सबसे पहले माँ बाप हो गए, औलाद से भी ज्यादा किसकी तरजीह हो गई? माँ बाप। तो जाहिर सी बात है माँ बाप को तरजीह देना चाहिए था। उस वक्त जो कुछ हुआ वो सही था, उस वक्त जो कुछ हुआ तभी तो अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल भी हो गया अमल, वो जुल्म में शुमार नहीं हुआ। वरना एक जगह अच्छा अमल हो रहा है और दूसरी तरफ जुल्म हो रहा है तो अल्लाह तआला कहता था दोनों न्यूट्रल, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, उस अमल को कबूल किया अल्लाह, तभी तो दुआ कबूल हुई और बाहर निकल कर रास्ता भी बना, है ना। यहाँ पे कुछ ज्यादा तशरीह की जरूरत थी इसलिए मैंने बयान किया, और हदीस बहुत बड़ी है हर जगह मैं तशरीह कर सकता हूँ मगर उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, पूरी हदीस आपका अगर रखना अच्छा मकसद है 1 घंटे के अंदर। तो ये आगे बढ़ते हैं। तो उस शख्स ने कहा कि इसी कश्मकश में फजर हो गई। फइन कुंता तअलमु इन्नी फअल्त ज़ालिका इब्तिगा वजहिक अल्लाह, हदीस का अल्फाज क्या है? फइन कुंता तअलमु अल्लाह, अगर तू जानता है इन्नी फअल्त ज़ालिका, ये जो कुछ मैंने किया इब्तिगा वजहिक तेरी रजा के लिए मैंने किया। मालूम हुआ कि उस वक्त उसकी नीयत क्या थी? अल्लाह को खुश करने की थी, ना कि माँ बाप को खुश करने की और ना ही बच्चों पर जुल्म करने की। पहली नीयत उसकी क्या थी? माँ बाप को खुश करने की भी, अल्लाह को खुश करना ये नीयत थी माँ बाप से पहले। इसलिए कह रहा है कि अल्लाह वो जो अमल है तू जानता है कि अगर वो अमल तेरी बारगाह में काबिल कबूल है जो मैंने तेरी रजा के लिए किया है
फ्रुजलना फ्रुजा, तो एक सुराख बना दे इसमें, एक निकलने का रास्ता अल्लाह कर दे, नरा मिन समा, ताकि उस सुराख से हम आसमान को देख सके। पूछिए दुआ से मालूम हो रहा है कि वो इस तरह पैक हो चुका था कि आसमान नजर नहीं आ रहा, अंधेरा छाया हुआ था। فَفَرَجَ اللَّهُ لَهُمْ فُرُجَهُ, अल्लाह तबारक ताला ने उस शख्स की दुआ कबूल की और थोड़ा सा पत्थर गार के मुंह से खिसका, सुराख अल्लाह ने बना दिया, उसमें निकलने का थोड़ा रास्ता अल्लाह ने बनाया, पूरी तरह रास्ता खुला नहीं, थोड़ा सा रास्ता खुल गया। हत्ता यरौना मिन हस्समा, यहां तक कि उसमें से वो आसमान को देखने लगे, जैसा दुआ की वैसा, दुआ की वैसा ही हुआ। एक शख्स का ये किस्सा हो गया, उसके बाद आगे आता है वकाल थानी, दूसरे शख्स ने कहा اللهم انه كانت لي ابنة عم, الله बेशक मेरे पास मेरे यहां मेरे चचा की एक बेटी थी, इब्न तो अम्मी, मेरे चचा की एक बेटी थी, उहिब्बुहा, अशद मैं उससे हद से ज्यादा मोहब्बत करता था, युहिब्बु रिजाल निसा, जिस तरह एक आदमी औरत से मोहब्बत करता है उस तरह मैं उससे मोहब्बत करता था, गोया कि मेरा हद कमाल वाला इश्क था उससे, मोहब्बत करता था। फतलबतु इलैहा नफ्सहा, मैंने उससे उसकी जात मांग ली, मैंने उसको मेरे लिए तलब किया ताकि वो अपने आप को मेरे हवाले कर दे। फअतत हत्ता आतियहा बिमिअत दीनार, ऐसा हुआ कि उसने इनकार कर दिया, अपने आप को पेश करने से इनकार कर दिया, यहां तक के एक मरतबा ऐसा हुआ कि उसकी कुछ जरूरत आन पड़ी जिसकी वजह से वो 100 दीनार के इवज अपने आप को सौंपने पर तैयार हो गई। फसईतु हत्ता जमअतु 100 दीनार, यहां तक के मैंने पूरी कोशिश कर ली उसको हासिल करने की, यहां तक कि उसके साथ जमा भी हो गया, उसके करीब भी चला गया 100 दीनार के इवज, मतलब मैंने उसको पाने के लिए कोशिश की, दौड़ धूप की और 100 दीनार मैंने जमा कर लिए। सही तो मैंने सही की कोशिश की, हत्ता जमा तुम 100 दीनार, यहां तक 100 दीनार मैंने जमा कर लिए उसके लिए, उसको पाने के लिए। फलकैतुहा बिहा फलम्मा क़अतु बैन रिजलैहा, यहां तक के मैं उससे मिला और जब मैं बैठा उसके पास, बैन रिजलैहा उसके दोनों टांगों के दरमियान जब मैं बैठा, क़ालत तो उसने कहा या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, जैसे ही मैं जुमा की नीयत से इंटरकोर्स करने की नीयत से उसके दोनों टांगों के दरमियान बैठा, उसने मुझसे कहा ए अब्दुल्लाह, ए अल्लाह के बंदे, इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, वला तफ्तहिल खातम, और मुहर को न खोल। ये सही बुखारी के अल्फाज है, सही मुस्लिम में कुछ अल्फाज इस तरह है, इसके अंदर है वला तफ्तहिल खातम इल्ला बिहक्की, ये सही मुस्लिम में अल्फाज, सही बुखारी में दोनों हदीसों में ये लफ्ज नहीं है, सही बुखारी सही मुस्लिम में ये लफ्ज है,
इल्ला बिहक्तिही के अल्लाह के बंदे अल्लाह से डर और मोहर को न खोल इसके हक के बजाय, हक के बजाय इसका हक अदा किए बगैर, यानी कि शरीयत के मुताबिक निकाह किए बगैर तू ये काम मुझसे न कर, अल्लाह से डर। इतना कहना था उस लड़की का, क्या कहते हैं, فَقُمْتُ عَنْهَا, तो शख्स कहता है मैं फौरन इत्तकिल्ला बोलने पर फौरन उठ खड़ा हो गया। क्या जज्बा है, क्या कंट्रोल है, एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं शायद अच्छा सोचते हुए, क्या पैशन है, फौरन उठ गया। ये एक्चुअल पैशन है, हम पैशन कहीं और वर्ड यूज करते हैं, जायज जगह यूज करें तो कोई मसला नहीं है, फौरन उठ गया। فقمت عنها ما उसके पास से फौरन उड़ गया। اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك, अल्लाह अगर तू जानता है कि जो अमल मैंने किया है वो मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, तेरी बारगाह में अगर वो काबिल कबूल है, فافرج لنا منها, तो हमको यहां से निकलने का रास्ता हमारे लिए बना दे। فَفَرَجْ لَهُمْ فُرْجًا, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ से भी उनके लिए थोड़ा सा गार के ऊपर जो गार के मुंह पर जो पत्थर था अल्लाह ने उसको खिसकाया, तो थोड़ा सा रास्ता और बन गया। وَقَالَ الْآخِرُ, आखिरी शख्स ने कहा, क्या कहा, اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرط أرز, तीसरे शख्स ने दुआ की और कहा कि अल्लाह बेशक तू जानता है कि मैंने एक शख्स को उजरत पर रखा, एक शख्स को मैंने उजरत पर रखा, उजरत क्या आता है कि बिफरकिन अरुज, एक फर्क चावल के इवज मैंने काम पर लगाया उसको, उजरत पर एक शख्स को रखा, उजरत क्या है, एक फर्क चावल, यानी कि इसको कहते 16 रतल चावल के एवज मैंने उसको एक काम पर उजरत के तौर, उजरत के बदले एक काम पर मैंने उसको लगा दिया। فَلَمَّا قَضَى عَمَلُهُ, जब उसने वो काम खत्म कर दिया, قَالَ اَعْتُنِي حَقًّا, उसने कहा कि मुझे मेरा हक दे दो, हक क्या है उसका, उसकी उजरत। فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ, मैं जब उसका हक लेकर उसके पास पहुंचा देने के लिए, فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ, तो कुछ मसला हो गया, उसने उसको छोड़ दिया और उससे बेपरवाही करके निकल गया, उसे मुंह मोड़कर निकल गया, हक लिया नहीं, इसी वजह से वो वहां से चला गया। فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ, जो चावल थे 16 अकल एक फर्क, जो चावल थे मैं उन चावलों को मैंने लिया, उसकी उजरत थी, मैं उसको लगातार बोता रहा, असल लगातार मैं उसको बोता रहा, अब उस बोने की वजह से जो कमाई हुई उस कमाई से मैंने क्या किया, हत्ता जमअतु मिन्हु बकरन, मैंने उससे बहुत से गाय बैल जमा कर लिए, चावल से क्या कर लिया मैंने, बहुत से गाय बैल मैंने जमा कर लिए, वो राइयहा, यहां तक कि गुलाम भी चरवाहा भी उन गाय बैल को, गाय बैलों के लिए उसी की उजरत से मैंने जमा कर ली। फजानी, एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो वापस आया मेरे पास, फकुल फजानी फकाल, फिर मुझसे उसने कहा इत्तकिल्ला, ये अल्फाज बहुत अहम है इस हदीस में, हदीस लंबी चौड़ी है इसलिए लफ्ज वाला तर्जुमा करने में ज्यादा वक्त जा रहा है, वरना नसीहतें बहुत है इस हदीस में, बहुत है, देखते हैं इंशाल्लाह हदीस इतनी बड़ी है तो इसको भले ही इसके 5 पार्ट कर लेते हैं कोई मसला नहीं, मगर आज कल लफ्ज व लफ्ज तो समझ लीजिए हदीस क्या है। तो क्या कहा उस शख्स ने,
कहा इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से। आया वापिस कुछ दिनों के बाद तो क्या जुमला इस्तेमाल कर रहा है, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह वला तज़लिमनी, मुझ पर जुल्म ना कर। दो दो वजनदार चीजें उसके सर पर रख रहा है, एक डर अल्लाह से, दूसरा मुझ पर जुल्म ना कर। वअतनी हक्का, मुझे मेरा हक दे दे। जबकि यही बात यही जुमले से पहले भी कह चुका, अतनी हक्का, मुझे मेरा हक दे दे। जब वो लेकर पहुंचा तो किसी वजह से वो छोड़कर चला गया, ले नहीं पाया। वापिस आया तो तीन तीन बातें, इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, और वला तज़लिमनी, मुझ पर जुल्म ना कर, अतनी हक्का, मेरा हक मुझे दे दे। काफी वक्त गुजर चुका था, उसको लगा कि ये मामला अब जल्दी सुलझने वाला नहीं है। लगता है ये जो उधर में छोड़ गया था उसको इसने हड़प कर लिया होगा, अब याद भी नहीं होगा इसको, हो सकता भूल भी गया होगा, देता या नहीं देता। इसलिए तीनों बातें कह दी। फकुल्तु, मैंने उससे कहा, इज़हब इला ज़ालिकल बकरी व राइहा, जा वहां, जा वहां पर तेरे सारे गाय बैल और उनका एक चरवाहा गुलाम भी है, और सारा का सारा तेरा है। फाखदहू, यहां तक के उसने उसको था, जैसे उसने कहा कि जाओ वहां पे गाय बैल जो चरवाहा गुलाम है वो सारा सारा तेरा है, उसको ले ले, तो उस शख्स ने कहा कि फकाल इत्तकिल्ला, डर अल्लाह से। फिर क्या कह रहा है, डर अल्लाह से, वला तहज़ भी, मेरे साथ मजाक न कर। हिज यू नहीं मजाक करना, इस्तहज़ा जो उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मजाक करना, सही मुस्लिम इस्तहज़ा लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। यहां पर क्या इस्तेमाल हुआ है, तहज़ा, तहज़ा वहां पर इस्तहज़ा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सही मुस्लिम में। तो कहता है कि अल्लाह से डर और मेरे साथ मजाक न कर, मैं जितनी उजरत छोड़कर गया उसके मुकाबले में तू जो दे रहा है वो बहुत सारे गाय बैल और गुलाम भी है, चरवाहा भी है, इसको इंग्लिश में कहेंगे वेल सेटल्ड बिजनेस तू मुझे दे रहा है, वेल सेटल्ड बिजनेस, चरवाहा गाय बैल जाएगा, चरा के लाएगा और कमाई आएगी। जबकि उजरत में वो थोड़ी छोड़कर गया था, इत्तकिल्लाह वला तहज़ा, और डर अल्लाह से, मेरे साथ मजाक न कर। फकुल्तु, मैंने उसके जवाब पर कहा, इन्नी ला अहज़ु बिक, बेशक मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूं। फखुद ज़ालिकल बकर व राइहा, जा और वो सारे गाय बैल बकरियां और उनका चरवाहा गुलाम वो सब ले ले। फअख़ज़हू, उसने उन सबको ले लिया। फन्तलक बिहा, वहां से चला गया। فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ, اے اللہ, اگر تو جانتا ہے کہ وہ جو عمل میں نے کیا تھا وہ خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا, اگر وہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہے, فَفْرَجْ مَا بَقِي, اب جو کچھ بچا ہوا ہے عمل نکلنے کے لیے اتنا بھی راستہ کھول دے, ففرج ما بقي, ہمارے لیے راستہ کھول دے جو کچھ بچا ہوا ہے. ففرج الله عنهم, اللہ تعالی ان کے لیے اب پورا راستہ کھول دیا, تینوں باہر آئے اور عافیت کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر پہنچے. یہ ہے صحیح بخاری کی دو پیجوں پر مشتمل حدیث جو آپ کے آگے میں نے لفظی ترجمے کے ساتھ رکھا. اس کے اندر कुछ चीजें समझने की है, उम्मीद करता हूं हदीस तो पूरी समझ में आ गई होगी. कुछ तशरीहात नसीहतें तो बहुत है इसमें, मकसद हमारा सिर्फ अहादीस नसीहत हासिल करना नहीं है. जिस ढंग और जिस सिलसिले के तहत हम दरस हदीस कर रहे हैं उसके तहत तो सिर्फ हदीसों से नसीहत हासिल करना ही मकसद नहीं है, बल्कि इल्मी एतबार से सही बुखारी को समझना है ना. क्या हमारा मकसद, इल्मी एतबार से सही बुखारी का जो वेटेज है, जो अहमियत है, उसको भी समझना है. इसलिए ये जो वाक्य है इंशाल्लाह फिर कभी इसको और तफसीलन बयान करेंगे. अब गौर करने की जो बात है, कितनी बड़ी हदीस है, अरबी की कितने अल्फाज सुन लिए आप लोगों ने, है ना. सवाल ही खड़ा होता है
कि सही बुखारी आप सालों की कितने कितने सौ साल बाद लिखी गई, दो सौ ढाई सौ तीन सौ साल बाद लिखी गई। इस दरमियान कितने रावी आना आए इस हदीस को बयान करने में, कभी तीन रावी है, कभी चार रावी है, कभी पांच रावी है। कितनी बड़ी हदीस है, इतनी बड़ी हदीस होने के बावजूद भी हैरत अंगेज बात, जिस मुहद्दिस ने भी इस हदीस को जमा किया 95% क्या बोल सकते हैं, सेम अल्फाज सेम स्टोरी सेम तरतीब सेम ढंग सेम तरीका, कैसे हो सकता है? एक मुहद्दिस किसी और जगह, दूसरे मुहद्दिस किसी और जगह, तीसरे मुहद्दिस किसी और जगह, एक मुहद्दिस आदम सलम तक जो सनद पहुंचा रहे उसमें तीन ही रावी है, दूसरे मुहद्दिस दूसरे रावी पांच रावी है आप सनद तक बात पहुंचाने के लिए। हदीस वही, छोटी मोटी हदीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैसे कि मुहद्दिस बिल इत्तेफाक इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि एक हदीस तवातुर लफ्जी तवातुर के साथ है, लफ्जी तवातुर लफ्ज मतलब जो है कि आप सलम कहते हैं मन करीब अलैय मुतअम्मिदन फलयतबव मक़दहु मिनन नार, ये लफ्जी तवातुर वाली मिसाल है हदीस की। लफ्जी तवातुर मतलब आज सलम से अब तक हर मुहद्दिस के बाद इसी लफ्ज के साथ बगैर लफ्ज के हेर फेर के ये हदीस पहुंची है। ये जो हदीस है मानवी तवातिर की मिसाल है, तवातुर की मानवी मतलब माने के एतबार से हूबहू ऐसी हदीस हर मुहद्दिस के पास है। बस समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब माने में भी कितनी जामियत है इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 95% इसके अल्फाज करीब करीब सेम है, बात नहीं लगती है। अगर सिर्फ इंसानों के दिमाग की उपज होती लोग जैसा कहते हैं, आज इस किताबें क्या है इंसानों ने जमा की है, कुरान जैसा यकीन नहीं करना चाहिए इन पर क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं, ज़न और गुमान की बुनियाद पर लोगों ने हदीस को जमा किया है, लोगों को सही और गलत करने के लिए लोगों ने अपनी लॉजिक अपना मंतिक अपनी समझ इस्तेमाल किया है। हो सकता है किसी मुहद्दिस ने किसी हदीस को जमा किया हो, उनसे गलती हो गई हो, जबकि उन्होंने समझा कि सही है। ये सारे इश्कालात एक तरफ, आप सिर्फ इतना बतला दीजिए कि इतनी लंबी हदीस 95% अल्फाज के सेम सेम होने के साथ हर एक मुहद्दिस के पास क्यों है? इंशाल्लाह उसके हवाले दूंगा मैं कितने मुहद्दिस ने इस हदीस को रिवायत किया है। अब 5% का जो चेंजेस है, जैसा कि मैंने कहा कि वो मुराती मेरी बीवी और मेरे बच्चे बोलकर सही मुस्लिम है, सही बुखारी में नहीं है, है ना? इंसान होने की ऐसे से ही कोई किस्सा सुनाते हुए कुछ अल्फाज आगे पीछे होना क्या मुमकिन नहीं है? अच्छा, इससे कहीं ये तो साबित नहीं हो रहा कि ऐसे अल्फाज के छूट जाने से माना ही बदल जा रहा, जहां अल्लाह एक साबित हो रहा वहां अल्लाह दो साबित हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं। जहां रसूल की इताअत करना लाजिम है साबित हो रहा है, रसूल का इनकार करो ऐसा साबित हो रहा, ये भी नहीं साबित हो रहा। लफ्ज के आगे पीछे होने से क्या होता है, इसकी बहुत बेहतरीन मिसाल देता हूं इसी हदीस से। जो सही बुखारी के जो हदीस है, इससे पहले एक और बात में इमाम बुखारी मौला यही हदीस लाए, उसमें वो जो शख्स है 100 दीनार जो जमा करता है, इस हदीस में जो लफ्ज है फसाइतु यानी मैंने वो 100 दीनार जमा करने के लिए सही की कोशिश की, इससे पहले जो हदीस इमाम बुखारी मौला लेके आए तो बगैतु मैंने उसके लिए जद्दोजहद की। सही बुखारी में तो अल्फाज हो गए, माना कुछ बदला, इससे सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह इस हदीस को लाए तो फतअबतु यानी मैं उसके पीछे पड़ा रहा और 100 दीनार जमा कर लिए। क्या माना फर्क हुआ, क्या माना फर्क, कुछ फर्क हुआ? अरबी के अल्फाज बदल जाने से कुछ माना फर्क नहीं हुआ, इसलिए यह हदीस मानवी तवातुर की मिसाल है।
ठीक है। इसी तरह बुखारी के अंदर क्या है, वला तफ्तहिल खातम, ऐ अल्लाह के बंदे बंद मोहर को न खोल। सही मुस्लिम है इल्ला बिहक्किन, बोलती है इसलिए तो कहते हैं हदीस की तशरीह दूसरी हदीस करती है कि बिला हक के यानी शरी निकाह के बगैर इस बंद मोहर को न खोल, वर्जिनिटी को मत तोड़, मत खत्म कर। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए ये सही मुस्लिम में, इन अल्फाज के बदलने से या हे थोड़ा सा आगे पीछे होने से वाक्य में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। 95% ओके सही है, 95% तीन तीन पीढ़ियां चार चार पीढ़ियां गुजरने के बाद भी अगर वो चार चार पीढ़ियां नस्लें गुजरने के बाद भी अगर वही 95% ही प्रिजर्व होके आ रहा है, इससे मालूम होता है कि जहां अल्लाह ने कुरान की बात करने का दावा किया वहीं आदिस मुबारका का भी जिमन अल्लाह ने लिया, अपने जिम्मे लिया कि मैं बात करूंगा। अब आइए पहली बार आप क्या राबियों के नाम भी रख रहा हूं, किसके नाम रख रहा हूं, क्यों रखने की जरूरत पड़ रही है इतनी बड़ी हदीस। इमाम बुखारी मौला अगर पेश करते तो कैसा पेश करते, इमाम मुस्लिम मौला पेश करते कैसा पेश करते, दो ही मुहदीस बता रहा हूं, चाहो तो हर मुहदीस का रावी को मैं रख सकता हूं, पर दोनों मुहदीसीन सहीहैन में से शेखैन में से है, इसलिए इनके रावियों को रखना होगा, इनके रावियों में कोई कलाम नहीं है, है कोई कलाम, फिर भी आप देखिए इंसानी है ना, गलती होना चाहिए ना, अब देखिए कैसी गलती होती है नहीं होती। इस हदीस के जो रावी मैंने पढ़कर सुनाया जो किताब अदब में है, हद्दसना सईद इब्न अबी मर्द, पहले रावी कौन है, इमाम मुखरम वाला कहते हैं कि मुझसे हदीस बयान की सईद इब्न अबी मरियम ने, नाम जरा सा सुनो थोड़ा सा एक लम्हे के लिए याद रखो, सिर्फ कितनी देर तक, दूसरी सना सुनाने तक इतना ही याद रखो। सईद इब्ने अबी मरियम से हमने हदीस सुनी, उन्होंने किससे सुनी, वो कहते हैं हद सुना इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न उकबा, वो कहते हैं कि मैंने ये हदीस इस्माइल से सुनी जो इब्राहिम के बेटे थे और इब्राहिम उकबा के बेटे, समझ आ रही ना, और इस्माइल कहते हैं कि मैंने ये हदीस सुनी या मुझे खबर दी अखबरनी नाफ़, नाफ़ ने मुझे ये खबर दी, नाफ़ कौन है, अब्दुल्लाह इब्न उमर के गुलाम रावियों में से है, और नाफ़ का कहते हैं अन इब्न उमर, मैंने ये खबर सुनी हद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। तो कोई आके आप सल्लम तक कितने रावियान हो गए, आप सल्लम कितने रावियान हो गए, एक सईद, आखिर सिर्फ नाम बता रहा हूं सईद, उनके बाद इस्माइल, उनके बाद नाफ़, उसके बाद इब्न उमर, चार ही रावी है ना, छोटी चैन है ये जो चैन सिस्टम है छोटा है, तीन रावी चार रावी, हाँ बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं एक और मुबारक दूर करो रावियों के बारे में बात चलिए तो बोलते सही बुखारी से ज्यादा बड़ा दर्जा मतलब मालिक का है, क्यों उसमें रावियान कम है, अरे ये कोई दलील नहीं है कि किसमें रावियान कम है रावियान हदीस और किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है वो हदीस सही नहीं है, ऐसा कोई उसूल ही नहीं है बेवकूफो, अरे ऐसा है तो सही बुखारी में तो कितनी हदीसें बता सकते हो, इसमें रावियान कम है क्या करोगे, तो रावियन की कसरत या किल्लत से सही हदीस का फैसला नहीं होता, मोहताज मालिक सही है क्योंकि रावियन कम है वो ताबीन में से है, ऐसा नहीं है, इमाम बुखारी ताबीन में से नहीं है इसलिए इनकी हदीस सही नहीं मानी जाएगी, ये उसूल ही नहीं है सही और गलत का, उसूल है जिन रावियों के जरिए से हदीस पहुंचे और रावी सारे सारे सिका है सच्चे हैं बात सच्ची है, ये उसूल है, इसी बात को सच या झूठ होने के लिए जो बीच में मीडियम है वो सच्चा हो जाए बात सच्ची हो जाती है, एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस क्या बोलते हैं इसको, मिसाल के तौर पर आज हमारे टीवी पर कितने चैनल आते हैं न्यूज के,
समझे 20, अब हर चैनल पे भरोसा करते हैं नहीं करते? कुछ चैनल है जिसपे आपको ज्यादा भरोसा है, कुछ पे कम है ना। जिसपे आपको ज्यादा भरोसा है उसकी हर न्यूज लेते कि नहीं लेते आप? कॉमन सेंस है। हालांकि अमेरिका में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, आपने कभी जाकर नहीं देखा? जो मीडियम है बीच का जरिया, उस पर भरोसा ही आपकी खबर का भरोसा है। सही सी बात है ना? वैसे ही राबिया टीका होंगे, सच्चे होंगे तो सही सी बात है, बात तो सच्ची होंगी। अब लोग कहेंगे नहीं, कभी कभी राबिया टीका निकल जाते हैं मगर हमारी अकल में हदीस नहीं आती है तो वो हदीस सही बन जाती है। अरे ये कौन सा उसूल है भाई? ये तो हुबहू मिसाल ऐसी हुई कि टीवी पर न्यूज दी जा रही है, अल जजीरा चैनल से दी जा रही है कि इराक अफगानिस्तान बमबारी हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तालिबान इतने कमजोर नहीं हो सकते कि उनका उनके ऊपर बमबारी की जाए। तालिबान इतने, तुम्हारी अकल में ये बात आ रही है कि तालिबान इतने कमजोर नहीं होंगे? क्या कहते वहां के मुल्लाओं पर इतने कमजोर नहीं होंगे कि उन पर बमबारी? तुम्हारी समझ है, हकीकत तो ये है कि दिखा रही है टीवी। ये दिमाग नहीं लगाते, तो दिमाग के हिसाब से नहीं है सही और गलत का फैसला। दुनिया की हजारों चीजें तो बगैर सोचे मान लेते, बगैर सोचे, बगैर तहकीक की हजारों चीजें। यहां हदीस की बात आती है, वी आर द क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, हम इस्लाम के बड़े स्कॉलर हैं, तनकीदी एतबार से इस्लाम को हम समझते हैं, तनकीदी एतबार से। अच्छा, तुमसे बड़े बड़े लोग गुजर चुके हैं, बहुत कुछ किया दीन के लिए, फिर भी बोलते थे अल्लाह कबूल कर हमारे से कुछ कुछ न करके डींगे मारने वाले कहे कि वी आर द क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम, तो बड़ी हैरत होती है। नहीं होना चाहिए। मैं बात रावियों पे से निकली, इसलिए सारी बातें आपके घर रख रहा हूं, सिवाय कम इल्मी के और कोई कुछ नहीं है, सिवाय कम इल्मी के। जहालत नहीं बोलेंगे इसको, कम इल्मी बोलेंगे। क्यों? जो घड़ा बिल्कुल ही खाली है बेचारा खामोश रहता, जाहिर देखो। जो घड़ा आधा है बहुत ज्यादा शोर मचाना, बहुत ज्यादा हिलता, जो कुछ अपने अंदर उसको बाहर बताने की कोशिश करता, नुकसान नहीं होता है, बचा कुचा भी जो इल्म भी जाता, ज्यादा हिलता ना बच्चा बच्चा इनमें बाहर निकल के गिर जाता, और एक दिन जहालत के कैटेगरी में आके खड़ा हो जाता क्योंकि पानी नहीं बचा उसके पास, है ना। तो बात रावियों पर चल रही है, इसलिए मैंने हदीस की ज्यादा तशरीह मैंने नहीं किया, बहुत सारी बातें हैं बल्कि। हाँ, चार रावी आसलम तक है इस चैन में जो इस हदीस के है। इससे एक पहले एक और हदीस है सही बुखारी की, इससे पहले एक और हदीस है, उसके रावी, उसके रावियान का हम नाम देखते हैं, रुवात, क्या बोलते हैं उनको, रुवात, रावियान का नाम हम देखते हैं। सबसे पहले हजरतना इब्राहिम इब्न मुंजिर, इमाम बुखारी वाला कहते हैं कि इब्राहिम इब्न मुंजिर ने ये मुझे बयान किया, हजरतना अबू ज़मरा, इब्राहिम इब्न मुंजिर को अबू ज़मरा ने रिवायत किया। उनको किसने रिवायत किया? वो कहते हैं कि मुझे हदीस बयान की मूसा बिन उकबा ने। किसने रिवायत किया? मूसा बिन उकबा ने। मूसा बिन उकबा को किसने रिवायत किया? अन नाफा, नाफा ने रिवायत किया। नाफा को किसने रिवायत किया? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, बराबर। अब ऊपर से आते अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह के गुलाम नाफा, जिस कदर से हम देख रहे हैं नाफे से रिवायत किया है, इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न उकबा, है ना, इस्माइल इब्न इब्राहिम इब्न उकबा, उकबा के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे, इब्राहिम के बेटे इस्माइल। सही बुखारी की दूसरी सनद में क्या है? उकबा के बेटे मूसा। वो कि इब्राहिम और मूसा दोनों भाई भाई, एक तरफ चचा रिवायत कर रहे हैं, एक तरफ भतीजा रिवायत कर रहे हैं, क्या कहते हैं, भतीजा रिवायत कर रहे हैं, करेक्ट। एक तरफ डायरेक्ट मूसा बिन उकबा, मूसा रिवायत कर रहे हैं उकबा के बेटे, दूसरी तरफ इब्राहिम के बेटे जो कि मूसा के भाई है। मुमकिन है कि नहीं है?
चचा और भतीजा दोनों आपस में मिलते जुलते हैं कि नहीं है? जो बात चचा को मालूम होगी वो भतीजे को मालूम हो, रहती कि नहीं रहती? चचेरे भाई, चचेरे भाई भी है और अपने भाई का बेटा भतीजा ना, भतीजा ना, उसने रिवाज किया। दूसरी हदीस में ये रावियों का फर्क, यहां पे आप देख सकते हैं एक सईद इब्ने अभी मरियम, एक रावी अलग है, यहां पर इब्राहिम इब्न मुंदिर और उनसे अबू दमरा, दो अलग अलग रावी है। वो यह कि एक चैन में अलग रावी, दूसरे चैन में अलग रावी, फिर भी लफ्ज ब लफ्ज 95% हदीस वैसी है। तो अलग अलग रावी होने के बावजूद मुहदीस एक ही जमा करने वाले, पर चैन में आखिर आखिर में अलग अलग रावी है, नीचे से अलग अलग रावी, फिर भी हदीस के अल्फाज वैसे ही। अब चलते हैं सही मुस्लिम की तरफ, एक सनद ला रहा हूं, सही मुस्लिम एक ही जगह पे है, उसकी सनद क्या है? उसकी सनद ये है, हदथनी मोहम्मद इब्न इसहाक अल मुसैबी, हदथनी अंस यानी इब्न इयाद अबू बमरा, अबू उन्होंने रिवायत किया अन मूसा बिन उकबा, उन्होंने रिवायत किया नाफा, उन्होंने रिवायत किया उमर। गोया के सही मुस्लिम की ये जो सनद है इमाम बुखारी की पहली वाली हदीस, जो देहा जो हदीस पर हमारा दर्श वो नहीं, उससे पहले वाली हदीस की जो सनद है उससे बिल्कुल मेल खा रही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर से नाफा, नाफा से मूसा बिन उकबा, यहां तक इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी के दोनों रावी एक्सा है ना। अब किसी जहन में सवाल आ सकता बेवकूफ आना कि दोनों रावी एक कैसे, हदीस एक ही है तो इधर एक पूरे अलग इधर पूरे अलग करके बताओ, फिर हम तो मानेंगे कि दोनों एक है। अरे अल्लाह के बंदे, सारा दीन जाकर अल्लाह रसूल से मिलने वाला है, सहाबा से मिलने वाला है, अगर सहाबा भी अलग करते हैं रसूल भी अलग करते हैं आखिरकार एक बात करने के लिए, जाहिर सी बात है सहाबा सहाबा ताबेईन तो कोई ना कोई ताबे आकर मिलेगा ही है ना। तुम्हारे इस तरह मूसा बिन उकबा तक इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की सनद सेम है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह के अंदर मूसा बिन उकबा से जिन्होंने रिवायत किया वो अंस यानी कि इब्ने इयाद यानी कि उनकी जो कुनियत है वो अबू दमरा है। सही बुखारी के अंदर जो रिवायत है उसमें भी मूसा बिन उकबा से जिन्होंने रिवायत किया वो अबू दमरा ही है। वो या के अब्दुल्ला इब्न उमर, नाफिया, मूसा बिन उकबा और उनसे अबू दमरा, चारों रावी बुखारी मुस्लिम के दोनों सेम है, ठीक है, अग्रीड। इमाम बुखारी के जो आखिरी जिनसे इमाम बुखारी डायरेक्ट सुना वो है इब्राहिम बिन मुंदिर, और इमाम मुस्लिम जिन्होंने डायरेक्ट सुना वो मोहम्मद बिन इसहाक अल मुसैबी। अब सवाल यह है कि इब्राहिम इब्न मुंदिर से मोहम्मद बिन इसहाक अल मुसैबी कब मिले? ये दोनों तो नहीं मिले ना किसी से, ठीक है। मोहम्मद बिन इसहाक अल मुसैबी जो है अबू अयाद अबू जमरा से ही रिवायत करते हैं, और इब्राहिम बिन मुंदिर भी अबू जमरा से ही रिवायत करते हैं, तो अबू जमरा ठीक है एक है दोनों ने, वो अबू जमरा ही इसलिए उनको एक ही बात मालूम है। ये दोनों आपस में कब मिले? कब मिले से मुराद दोनों में एक ही खबर कैसा है, दोनों अलग अलग आ भी है, अच्छा अलग अलग है भी, एक ही उस्ताद के दोनों शागिर्द, दोनों एक जैसे अल्फाज कैसे आकर याद रख रहे हैं, एक जैसे अल्फाज 95% सेम सेम, गलती होना चाहिए था। तो इतना ही नहीं, मैं तो सिर्फ तीन संदे लेकर आया, कई संदे ला सकता, सनद असनाद लेके आ सकता हूं, असानीद जिसमें रावियां अलग अलग है, जाहिर सी बात है सहाबा ताबीन तब तो जाके मिलते, फिर भी अल्फाज 95% ये हदीस किससे, इसलिए बतलाना मकसूद है कि अल्लाह तआला बताना जिस तरह कुरान की हिफाजत की अल्लाह ने, वैसे अहादीस मुबारकात का भी हिफाजत किया ताकि उम्मत मुहम्मदिया कुरान मजीद से जिस तरह रहबरी हासिल करती है अहादीस मुबारकात से भी इसी तरह रहबरी हासिल करे। इंशाल्लाह अगले दर्स में हम इसी हदीस से और नसीहतें हासिल करेंगे बहुत सारी, फिर उसके बाद हम तीसरे मरहले की तरफ जाएंगे, उस हदीस से उस हदीस के दूसरे हवाले देखेंगे, फिर उससे
नए नए जो इस्तदलाल निकल सकते हैं, नुकात जो निकल सकते हैं वो निकालेंगे, क्योंकि हदीस काफी लंबी है, बड़ी है, वो सब नसीहतें इंशाल्लाह एक और पार्ट जिसका हम इसकी नसीहतों वाला रखेंगे। वाह अलहमदुल्ला।